सीधे जो इस पूरे मामले में लंबे समय से संघर्ष कर रहे हैं वो हमारे साथ हैं। तो आप वाला सवाल तो मैं इनके जवाब में लूंगा, लेकिन अभी का अपडेट बता देता हूं। पंडित गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के यहाँ जाने के लिए तैयार हो गया है हिंदू पक्ष, और गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ वो व्यक्ति हैं, आपको बता दूं, जिन्होंने भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकाला है, और अब ये लोग उनसे अनुमति लेंगे कि आखिर ये जो पूजा हो वो किस मुहूर्त में हो। बताइए, पंडित गणेश्वर शास्त्री ये जो द्रविड़ हैं उनके पास अभी हम लोग जा करके कल सुबह मुहूर्त कैसे हो, पूजन पाठ विधि हो कैसे हो, जो है कल हम लोग पूरा जो है चाहते उनके नेतृत्व में हो, यानी मुहूर्त निकाल के फिर आगे की रणनीति बनाएंगे। लेकिन सोहन लाल जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो आप लोगों ने अपील दाखिल की थी ये कब की थी, अब इसके लिए संघर्ष और फिर अब उसके बाद अब आगे क्या? ये जो अपील, ये जीत आज की हम लोग के लिए बहुत बड़ी जीत है, हिंदू समाज की जीत है और सभी सभी धर्मियों की जीत है। अधिवक्ता भी साथ है, ये अपील कब दाखिल हुई थी, क्या क्या हुआ, बिंदुवार जानना चाहेंगे। अपील देखिए सितंबर में हम लोगों ने दाखिल किया था और 17 दिसंबर को इस पे ऑर्डर आया, 17 दिसंबर को ऑर्डर आया जिसमें हम लोगों ने मांग किया था कि पूजा पाठ रिसीवर बनाते हुए उस तहखाने को जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए और पूजा पाठ जो 1993 तक जो स्थिति थी उसको बहाल किया जाए। माननीय जिला कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश पारित किया जिसमें जिलाधिकारी को रिसीवर बना दिया, लेकिन पूजा पाठ की जो मांग थी उस पर जो कोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया था। उस पर सुनवाई होने के बाद कल जो है जिला कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रखते हुए आज आदेश किया है और जिलाधिकारी को आदेशित किया है जो पाठ जो धार्मिक क्रियाएं हैं जो 1993 तक चला करती थी उसको पुनः बहाल किया जाए, इस संदर्भ में आज आदेश आ गया है। देखिए हम कुछ वहां पर स्थिति को समझना चाहेंगे, ये जो जगह है व्यास जी का तहखाना ये कौन सी जगह है और वहां पर बैरिकेटिंग भी है, तो जरा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि वो कौन सी जगह है जहां नंदी विराजमान है, बड़े नंदी जहां विराजमान है उनके ठीक सामने या क्या कैसे? देखिए नंदी जी के ठीक सामने जो तहखाना है जो बीच में बैरिकेटिंग किया गया है, यानी कि जो वजू टैंक जहाँ शिवलिंग मिले थे बाबा विश्वनाथ हमारे बाबा महादेव मिले थे उसके उत्तरी छोर पर, अरे उसके दक्षिणी छोर पर, यानी कि वजू टैंक जो महादेव मिले हैं शिवलिंग मिला है उसके और नंदी जी के बीच का जो हिस्सा है वो व्यास जी का तहखाना है। व्यास जी के तहखाने के सामने और नंदी जी के सामने एक बैरिकेटिंग लोहे की रॉड से रास्ता बंद कर दिया गया है जिसको खुलवा कर हम लोगों की मांग है कि उस पर पूजा पाठ किया जाए जिसको कोर्ट ने आज माना है, और वो रास्ता बनाने के लिए कि नंदी जी के ठीक सामने चूँकि तहखाना भी ठीक सामने है इसलिए उसको खोल कर वहाँ से रास्ता बनाया जाए ताकि जो है पूजा पाठ वगैरह वहाँ शुरू हो। अब आगे की रणनीति आपकी क्या है, किससे मिलेंगे, जिलाधिकारी के अंडर में ऊपर जिलाधिकारी से हम लोग मिलने जा रहे हैं और हाईकोर्ट में भी कैवियट, चूँकि मुस्लिम पक्ष भी सुनने में आ रहा है कि हाईकोर्ट जाएगा तो हम लोग वहाँ कैवियट भी दाखिल होगा और यहाँ जिलाधिकारी से मिलकर कोर्ट का जो कंप्लायन है जो कोर्ट ने आदेश किया है उसको कंप्लायन करने के लिए हम लोग बात करेंगे और ये कंप्लायन बहुत जल्द से जल्द हो कोर्ट के आदेश का, ऐसा हम लोग का प्रयास रहेगा। आज मुलाकात जिलाधिकारी से होगी। कैवियट दाखिल करेंगे, जरा कैवियट के बारे में बता दीजिए कि कैवियट दाखिल करने का जाएंगे उसके पूर्व हम लोग को सुना जाए, जो भाई हम लोग के पक्ष को भी सुना जाए, एक तरफा फैसला ना हो, इसलिए हम लोगों ने कैवियट जो है वहाँ हम लोगों का भी तैयारी कैवियट हम लोग दाखिल कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर हिंदू समुदाय अब पूरी तरह से उत्साहित और अब कैवियट दाखिल करने की यहाँ पर तैयारी, और जो महिला है जो यहाँ पर इस पूरे मामले में जिन्होंने ये पूरा मामला कहे कि जो वादीगढ़ है महिला वादिनियां हैं ये तीनों, देखिए यहाँ पर इन लोगों ने अपना उत्साह इसी संगीत के अंदाज में देखे बाकी कि बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। रेखा जी पहले भी काशी बम बम बोल रही थी, आज थोड़ी सी ज्यादा, लेकिन इंतजार कितना था इस फैसले का, किस तरह से था और आगे की तैयारी क्या? आगे की तैयारी देखिए, हम लोग के साथ सोमनाथ ब्यास के जो बेटे हैं शैलेंद्र ब्यास उन भी हम लोग के साथ रहेंगे और काशी विश्वनाथ ट्रस्ट और यहाँ के जिला प्रशासन से मिल ठीक है। नीतीश आप बातचीत करते रहें,